Hello students, in this video we are going to start the next topic of unit number 3, which is equilibrium level. What is the meaning of equilibrium level and what are the different type of approach to understand the level of equilibrium. So जैसा कि अभी तक पहले के हम लोग इस सारे वीडियो के पहले तक की जो स्टडी हुई कि जो एडी और एएस हैं ना, एडी को फुल बोला गया एग्रीगेट डिमांड और एएस को बोला गया एग्रीगेट सप्लाई. तो जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड है, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में तब हो सकते हैं कि जब दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. कहने का मतलब है कि जो कंट्री में डिमांड और सप्लाई वो आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है. तो डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास एग्रीगेट कौन सा है, तो उसका नाम है एडी, एग्रीगेट डिमांड. और सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी थिंग है, तो उसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई. तो अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाए तो हम लोग कह पाएंगे कि जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर है. ओके, तो इसी मेथड के थ्रू हम लोगों का जो अप्रोच है उसका नाम रखा गया एडीएस अप्रोच ऑफ फाइंडिंग इक्विलिब्रियम लेवल. इसके साथ सेकेंड बच्चों, अगर एडी की वैल्यू मैं रख दूं सी प्लस आई, जो कि होता भी है, एंड एएस की वैल्यू सी प्लस एस, तो हम लोगों के पास सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड सेम है, तो क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग. तो इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों के पास एक नया अप्रोच आया जिसका नाम रखा गया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो दोनों अप्रोच, जो फर्स्ट वाला अप्रोच है और सेकेंड वाला, दोनों की हेल्प से इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या है, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करा है, इसको समझते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे लिया इनकम, और जब मुझे फर्स्ट वाले टर्म से इस अप्रोच के थ्रू इसे बनाना है ना, जब इसको समझाना रहेगा तो क्या करेंगे बच्चों, एडी और एएस को ले लेंगे वाई एक्सिस पर. अब यहाँ पे हम लोगों को एएस और एडी का ग्राफ ड्रॉ करना है. तो एएस का जो ग्राफ होता है वो तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और 45 डिग्री से शुरू होके आगे स्ट्रेट लाइन ऐसा बढ़ता जाता है. तो मैंने एएस को बना दिया यहां से ऐसे, ठीक. देन बच्चों यहां से एडी का ग्राफ तो जीरो से कभी शुरू नहीं होता, वो तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन शुरू होगा. तो यहां से मैंने इसको स्टार्ट, और मान लो ये दोनों जो ग्राफ है ना इकट हो जाते हैं पॉइंट ई पर. तो अगर इस वाले ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई, अगर मतलब कहने का मतलब है कि जो एडी और एस पॉइंट में कट जहां पे किया वो पॉइंट है ई, अगर इस वाले लेवल पर इस ई वाले पॉइंट पर इकोनॉमी वर्क करेगी, ओके, इकोनॉमी में मतलब डिमांड और सप्लाई की जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई अगर करा जाए तो इक्विलिब्रियम का लेवल बना रहेगा. बट जैसे ही हम लोग ई पॉइंट के आगे शिफ्ट होते हैं तो एएस की वैल्यू जो है एडी से ज्यादा हो जाती है. तो निकलेगा कि एएस की वैल्यू तो ज्यादा है, ओके, और एएस की वैल्यू मतलब कि मार्केट में सप्लाई बहुत सारी थिंग्स की है, बट उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों के पास डिमांड नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो तो अपने सब जो जितना प्रोडक्शन हो गया होगा उसको तो स्टॉप कर देंगे उतने पे ही. तो इस वाले कंडीशन में ऐसी प्रॉब्लम होगी, सप्लाई ज्यादा रहेगी, इन्वेस्ट जो डिमांड है कम होगा, तो अबंडेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े रहेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्लोज हो जाएगा. प्रोडक्शन क्लोज होने से एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज एग्जिस्टिंग थे पहले जो जॉब कर रहे होंगे उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं चाहिए उस टाइम. तो ये कंडीशन आ जाएगी इकोनॉमी में. अगर ई पॉइंट के लेफ्ट की तरफ अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है बट उसके सप्लायर्स नहीं अवेलेबल है. तो इस कंडीशन में भी जो वर्क है बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि इस वाली कंडीशन क्या है कि डिमांड तो बहुत करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, कस्टमर्स हैं, बट जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई तो कर नहीं पा रहे. तो सप्लायर जब सप्लाई की कमी हो जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस तो हाई हो जाएंगे और इस कंडीशन में इन्फ्लेशन आ जाएगा. ओके, और इसके बाद दूसरा है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू अगर हम लोग उसको समझना चाहें तो अब वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पता है हम लोगों को, इन्वेस्टमेंट तो हमेशा ऑटोनॉमस लिया जाता है, ठीक. तो इसमें इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया. सेविंग जो है हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है तो उसको नेगेटिव से मैंने शुरू करा. अब ये जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का नाम क्या रखा, ई. ई को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर यहाँ पे इकोनॉमी वर्क करेगी, मतलब इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर इस पॉइंट पे मीट करेंगे तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रहेगा. अदरवाइज प्रॉब्लम कहाँ आएगी बच्चों,
कि यहाँ पे देखो सेविंग तो ज्यादा है, मतलब मार्केट में ऐसे लोग मतलब जो कस्टमर्स हैं पैसा तो बहुत ज्यादा बचा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम है। दूसरा कि यहाँ इस वाले पोजिशन पे की अगर बात करें हम लोग, अगर ई के लेफ्ट साइड आ जाए हम लोग, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा है लेकिन सेविंग ही लोगों के पास नहीं है ना, तो ये भी जो इक्विलिब्रियम का ये भी जो लेवल है ये भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, तो सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा होगा? ई, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। इसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट हेडिंग है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जब भी कभी इकोनॉमी में कुछ रुपीज का कुछ अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट अपने बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, तो इस वाले थिंग को क्या बोला जाता है? के के की वैल्यू अगर 5 होगी, और अगर मान लो इन्वेस्टमेंट हुआ 100 रुपीज का, तो के की वैल्यू अगर 5 है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी टाइम बढ़ जाएगी? 500 हो जाएगा। तो के का जो नॉर्मली मतलब है वो होता है कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको और सॉल्व करेंगे फर्दर तो आएगा 1/1 -MPC या इक्वल टू 1/MPS। फिर है बच्चों सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का मतलब होता है कि सेविंग जो है वो किन किन थिंग्स पे डिपेंड करती है। तो पहला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन का जो निगेटिव वाला पोर्शन था जिसको डिस सेविंग कहा था, एक तो उस टर्म पे डिपेंड करेगी, दूसरा इनकम पे डिपेंड करेगा, साथ में जो मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेव है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ए वाला जो 1 - B मैंने लिखा है इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू सेव, मतलब कि जो इकोनॉमी है उसमें कितनी विलिंगनेस है सेव करने की, तो जितनी विलिंगनेस रहेगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम में और ऐड कर देंगे -C बार, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेविंग। सिमिलरली कंजम्पशन फंक्शन C = C बार + BY। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी का मतलब MPC और वाई मतलब लेवल ऑफ इनकम। तो यहां पर भी बच्चों वही कि किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन पे डिपेंड करता है प्लस इनकम पे डिपेंड करेगा। इसके साथ जो मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम है, मतलब इकोनॉमी में कितने कंजम्पशन का विलिंग है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसके बाद लास्ट मैंने लिखा है वेयर बी का मतलब क्या है? MPC, और 1 - B का मतलब क्या है? MPS। ठीक है, फर्दर डिटेल अगले वीडियो में। थैंक यू।